नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपका टेक्निकल पंडित जी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेसिबिलिटी की 6 इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, जो आपको डेली लाइफ यूज़ में आने वाला है। और जिन लोगों के मोबाइल का वॉल्यूम अप और डाउन बटन ख़राब हो चुका है, तो वो लोगों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं वह कौन सी 6 इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको हमेशा काम आने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट नंबर सेटिंग की, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सेटिंग दिखाई देगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। कुछ लोगों के मोबाइल में बाहर ही एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है और कुछ लोगों के मोबाइल में एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। तो जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को ऑन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एक आइकॉन दिखाई देगा मेन का, तो यह मेन दिखाई देगा आपका। मैं इसको मेन मेन्यू में आ जाता हूँ। इस मेन का यूज़ काफ़ी यूज़फुल है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं इसके अंदर। जिन लोगों के मोबाइल का वॉल्यूम अप और डाउन बटन ख़राब था, उन लोगों के लिए यहाँ से आप डायरेक्ट वॉल्यूम को देख सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 93% बढ़ गया। यहाँ पर फुल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डाउन कर सकता हूँ वॉल्यूम को, इस तरह फुल कर सकता हूँ। तो ये आपको रिपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं भी रह सकती, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है ब्राइटनेस डाउन और अप का, इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट का। जैसे आप स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह देखो स्क्रीनशॉट ले लिया इसने, तो इस तरह आपका फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मिल जाता है। तो गाइस चलते हैं अब सेकंड की तरह। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वापस आपको सेटिंग में चले आना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको चले आना है एडिशनल सेटिंग पर और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर लेना है। यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टू स्पीक का, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट टू स्पीक, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब इसका यूज क्या है हम चलिए जानते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आर्टिकल है, न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप इसको सुन सकते हैं। इस तरह आप इस मेन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो ये आपको पढ़कर बताएगा, आप सुन सकते हैं। ऑप्शंस मेन्यू एट द टॉप राइट टू गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस। मनी पावर्ड बाय मनी कंट्रोल, शहर चुने, न्यूज़ 18 इंडिया, लेटेस्ट खबरें। तो इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं और काफी आपके काम आने वाला है। तो अब चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सेटिंग पर चले आना है। इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर चले आना है और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मैग्नीफिकेशन का, तो आप इस मैग्नीफिकेशन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है क्विकली टैब इन स्क्रीन 3 टाइम इन 1 फिंगर, तो आप मैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो डिटेल दिया गया है। अब जैसे मुझे कोई चीज़ जूम करना है, तो जैसे ये मेन मेन्यू है, मुझे इसको जूम करना है तो मैं इस तरह जूम कर सकता हूँ और इस तरह सारे आइकन को देख सकता हूँ। जिन लोगों के मोबाइल आइस में प्रॉब्लम होता है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे विज़न का प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों के अंदर, तो उन लोगों को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो उन लोग यह इस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल को इस सेटिंग को ऑन करके। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं और कितना भी चीज़ जूम कर सकते हैं, चाहे फ़ोटो हो चाहे कोई भी चीज़ हो। इस तरह आप देख सकते हैं 3 बार प्रेस करेंगे तो जूम हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। तभी मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। अगर आप कोई फ़ोटो यूज करते हैं, देखो फ़ोटो इस तरह दिया गया है, मुझे इसको जूम करना है, कुछ क्या लिखा है मैं जान सकता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह मुझे जूम करना होगा। जैसे ये गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी दिखाई दे रहा है, इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो गाइस चलते हैं फोर्थ नंबर सेटिंग की तरफ। तो आपको क्या करना है, जैसे देख सकते हैं आप मेरा होम स्क्रीन देख सकते हैं कैसे किस तरह ब्लू दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेटिंग पर चले जाना है, वापस से एडिशनल सेटिंग पर चले आना है
और एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है कलर करेक्शन, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, रेड एंड ग्रीन मैं कर सकता हूँ या फिर ये ब्लू एंड येल्लो कर सकता हूँ। तो मैं भी रेड एंड ग्रीन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन टाइप सा हो गया मेरा आइकॉन, यहाँ से देख सकते हैं ऊपर भी इस तरह आइकॉन हो गया है। मतलब यहाँ से कलर करेक्शन हम कर सकते हैं, कलर एकदम लाइट हो गया है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इंस्टाग्राम का आइकॉन किस तरह दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको वापस से ऑफ कर दूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह दिखाई देगा। एक्सेसिबिलिटी में चला गया मैं, कलर करेक्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम किस तरह दिखाई दे रहा है और पहले किस तरह दिखाई दे रहा था। तो इस तरह आप कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल और आपके हमेशा काम आने वाला है। इस सेटिंग को आप ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सेटिंग पर चले जाना है, एडिशनल सेटिंग पर आ जाना है। इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर चले आना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, जब भी आप अपना पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपका कॉल कट जाएगा। तो आपको इसको ऑन कर लेना है। मान लीजिए आपको कोई कॉल आ गया और आप उस पर बात कर रहे हैं, और ऐसे में आपको जब कॉल रखना होता है तो आप क्या करते हैं, रेड बटन दबा देते। तो ऐसे में कभी कभार आपके पास टाइम नहीं रहता है, आप कोई काम करते हैं तो आप कॉल कट नहीं करते, आपकी जेब में कॉल चालू ही रहता है, आप मोबाइल जेब में रख देते हैं और कॉल चालू ही रहता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब आप इस पावर बटन को प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा। और इस सेटिंग को आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो गाइस चलते हैं 6 नंबर सेटिंग की तरफ। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग पर, एक्सेसिबिलिटी पर। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट का कंट्रास्ट था वो एकदम चेंज हो गया। इस तरह मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह टेक्स्ट का कंट्रास्ट चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप इसको वापस से ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये थी कमाल की जो इंपॉर्टेंट 6 सेटिंग थी। और आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस को लाता रहता हूं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो टेक्निकल पंडित जी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।